आइए अब हम लोग इसकी रियल टेस्टिंग करते हैं वैक्यूम की। 9 नंबर का ये जूता है, क्योंकि मुझे 9 नंबर ही आता है, तो पहन के इसको ट्राई करते हैं। काफी टाइट हो रहा है, रेगुलर साइज वैसे 9 ही है मेरा, तो वैसे अभी टाइट है, उतना भी टाइट नहीं है। पहनने अगर रेगुलर जिसको 9 नंबर आता है वो 2-4 बार पहन के इसको जहाँ पहनेंगे सब गीला हो जाएगा। नया जूता हमेशा थोड़ा टाइट रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और हमेशा फिटिंग का शूज ही लेना चाहिए, नहीं तो यहाँ से वो टूट सकते हैं। और वैसे जिस प्रकार से इसकी प्राइजिंग है, और मैंने आपको पहले बताया रनिंग के लिए बेस्ट शूज है, इसको ओपन करना पड़ेगा मुझे। थोड़ा ढीला कर लेते हैं। वैसे अभी मैं सिम्बा प्रो ट्राई किया था, वो मुझे इजली आ गया था। इस साइज में थोड़ा सा मुझे लगता है कि कट किया गया है। फिलहाल ये 9 ही नंबर है, ढीला करने पे ही मुझे आया। पहले तो लुक देख लीजिए जूते का पहनने के बाद। थोड़ा ये जूता मुझे 9 नंबर का मैंने पहना है, मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है ये जूता। बाकी जैसे आप रनिंग करेंगे तो 2-4 दिन बाद ये जूता बिल्कुल आपको कंफर्ट हो जाएगा। बस इसमें एक मिसिंग पार्ट जो मुझे लग रहा है जूते में, वो लग रहा है इसका इंसोल। मेमोरी टेक इंसोल दिए होते तो बहुत बेस्ट होता, बट 1299 में आप मेमोरी सेल, मेमोरी टेक सेल जो सोल हो वो देना, हो सकता है कॉस्ट इतना ना निकल पा रहा हो। मे भी जब इसका अपर वर्जन करेंगे 100 रुपये बढ़ा देंगे तो आने लगेगा। वो रनिंग के लिए ये जूता बेस्ट है, क्योंकि इसमें देखिए आप ये फाइलोन सोल जो दिया गया है, फाइलोन सोल की वजह से ये जूता बहुत ही बेहतरीन है। बाकी अपन नेट वगैरह भी बहुत अच्छा दिया गया है, ग्रिपिंग बेस्ट है, तो रनिंग के लिए ये जूता बेस्ट होगा।